आपकी बातें यूथ को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं जो सवाल करने वाला हूँ सबको लगेगा ये तो मेरी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया इन्होंने। देखिए, हर आदमी आज एक रिश्ते के पीछे भाग रहा है जी। हर आदमी चाहता है कि खूबसूरत रिश्ता हो, ईमानदार भरी ईमानदारी वाला एक रिश्ता हो, लॉयल्टी हो, उसमें सच्चाई हो, प्रेम हो। हमें कैसे पता लगे कि जो पार्टनर है वो हमारे प्रति उतना ही ईमानदार है, उतना ही सच्चा है जितना कि हम? बिल्कुल, अगर हम पार्टनर की बात करें, क्या आपको क्या लगता है कि घर में आपके सिबलिंग और आपके पेरेंट्स आपके साथ मैच करते हैं? नहीं करते ना, वो भी तो अलग होते हैं। दो इंडिविजुअल कभी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन 100% आपने नाम सुना है GST, गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग। और अगर टेंशन फ्री लाइफ चाहिए तो आपको ABC आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पहले जानो उनको, आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ में आपको उस ABC का मतलब ये है कि अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, बिट्रे नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। और एक ए को आप अंदर घुसाओ, एक ई को बाहर निकालो। एक्सेप्टेंस एंड अप्रिशिएट होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बाहर निकालो, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। नहीं तो आप चाहे, आपको ये बताओ, ये भी हमने देखा है कि आज के युग में जैसे अपन सोचते हैं कि हमारा ये रिश्ता नहीं चला, बिकॉज मैं देखती रहती हूँ रोजाना, इतने सारे लोग बोलते हैं ओके यू आर नॉट माई टाइप, आई नीड टू चेंज, और ओके नहीं हो सकता, नहीं चल सकता, एक सेकेंड में ही ब्रेकअप कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अगर आपने ब्रेकअप और ब्लॉक करना सोचा तो उतनी ही जल्दी आपका कर्मा आपके पास आ गया, अगला पार्टनर आपको भी ब्रेकअप और ब्लॉक करने वाला है। देखिए, आपने तो भगवत गीता का पाठ सुना दिया हमें, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान जी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा कम हो पाता है। हम जब किसी को चाहते हैं तो हम जो उसके लिए कर रहे होते हैं, इंसानी स्वभाव है, उसी तरीके की फीलिंग्स हमारे अंदर भी होती है। और जब हमें वैसा नहीं मिलता तो हमको लगता है कि कोई हमारे साथ चीट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी कि जब तक आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे के लिए कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कोई आशाएं नहीं थी तो चीटिंग नहीं थी। लड़की को भी नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस बात के लिए हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और इधर भी इनके फैमिली में भी नहीं था। तो यहाँ पे रिश्ता टूटता है क्यों? कई बारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, कई बारी आपको लगता है कि फ्यूचर में, पहले तो आप अच्छा अच्छा बनने के लिए हर चीज़ उसकी एक्सेप्ट करते हो, बाद में जब एनालिटिकल एंगल आता है तो आपको लगता है कि मेरा यहाँ नहीं चल पाएगा। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आज की डेट में तो सब बराबर है, बट अगर आपने ये कदम उठाया है तो आज की डेट में पीपल आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे आर डूइंग। अब यहाँ पर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पेरेंट्स के साथ भी बोलूँगी कि पेरेंट्स के साथ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ आज की डेट में आप ना तो एक्स को देखो ना नेक्स्ट को देखो, देखना क्या है आपको, सिर्फ अपने गोल को, गोल को देखोगे तो आप बहुत आगे कामयाब हो जाओगे। प्रेम क्या है? प्रेम अनकंडीशनल, तो मतलब मैं ये कहूँगी सिर्फ देना ही है। जहाँ पे आप प्रेम करते हो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और तुलना भी नहीं करते, वहाँ पे किसी और के साथ भी तुलना नहीं करते, और आपको जो आप दे रहे हो उसकी डिमांड भी नहीं करते। कभी आपको लगे कि उस रिश्ते में आपके साथ गलत हो रहा है तब क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने चुना था, आपने ये सोचा था, आपने उसको प्रेम किया था, तो यहाँ पे माफ, फॉरगिव एंड फॉरगेट होना चाहिए। अगर आप अनकंडीशनल सच्चा प्यार करते हो, आपको दोबारा क्वेश्चन, क्योंकि ना क्या होता है कि आप जिस तरह से चल रहे हो, आप गिवर हो, आपने दे दिया और उसके बाद आप उसमें तुलना करने लगते हो, आशा करने लगते हो, तो जो ब्यूटी आपने उस संजोई थी वो खत्म हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम उस रिश्ते में कुछ बदलाव ला सकते हैं, हम सामने वाले को बदल सकते हैं, शायद उसको चेंज कर लें और उसको उसी रास्ते पे ले आए जिस रास्ते पे हम लाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत, यहाँ पे एग्री नहीं करती मैं आपसे, क्योंकि जब हम किसी और को बदलना चाहते हैं तो रिश्ता कभी ठीक नहीं होता, हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, तो हम रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो आपका चिप है वो आपके अंदर है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। यू कैन चेंज योर सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट चेंज अदर सॉफ्टवेयर। और अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी बात पे गुस्सा आता है, सो उस टाइम आपका कंट्रोल बटन होना चाहिए सही से।
अगर उसको कहना भी है तो आप बिना उसकी रिस्पेक्ट खराब किए उसको अकेले में बात नहीं बता सकते हो कोई भी बात। लाइक आपके पास बहुत सारे कारण होते हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के, और बहुत सारे कारण होते हैं टू, अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप अपने आप को बदल लेते हो तो आप सामने वाले के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हो उसकी उस जज्बातों को, उस जज्बे से, उसको प्यार से, यू नो इस दुनिया में प्यार से हैंडल किया जा सकता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। लेकिन बिना आप सोचो कि आप अपनी चीज़ें थोपोगे किसी पे तो वो नहीं हो सकता।